हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। और आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। उससे पहले, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस मार्केट का ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है। इस मार्केट में सबको लॉस होता है, लेकिन जिनके पास में अच्छा नॉलेज होता है उनको लॉस कम होते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। और जिनके पास में नॉलेज कम होता है या जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं, उनको लॉस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम होते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनको लॉस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम होते हैं। सो दोस्तों, याद कीजिए उस लॉस को जो आपने लास्ट टाइम किया है, और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से आपने लास्ट ट्रेड में लॉस किया। लॉस होने का कारण इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब है कि मार्केट की गिरावट की वजह से या किसी न्यूज़ के आने की वजह से हुआ हो। इंटरनल का मतलब है कि आपकी किसी गलती की वजह से हुआ हो। अगर कारण एक्सटर्नल है तो उस पर आपका कोई भी जोर नहीं है। एक्सटर्नल कारणों से होने वाले लॉस नॉर्मल हैं इस मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट गिरेगा तो आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन अगर कारण इंटरनल है, यानी कि अगर आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना चाहिए कि लॉस क्यों हुआ। हो सकता है कि आपने लालच में आके बाइंग कर ली हो गलत लेवल पर, इस वजह से लॉस हुआ हो। या हो सकता है कि आपने फोमो में आकर बाइंग कर ली हो, इस वजह से लॉस हुआ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने गलत मार्केट कंडीशन में या फिर गलत लेवल पर बाइंग कर ली हो, इस वजह से आपका लॉस हुआ हो। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे लॉस होने के एक मेजर कारण के बारे में। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा और उसमें आपने बाइंग कर ली, बाइंग करने के बाद में स्टॉक नीचे गिर गया? उम्मीद है कि आपके साथ में ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है और आपने इस वजह से लॉस किया है, तो इसके पीछे जो कारण था उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। असल में आपने यहाँ पर बाइंग की थी क्योंकि यहाँ पर आपको लगा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा। दोस्तों, अब अपने आप से पूछिए कि आपके लगने की क्या कीमत है इस मार्केट में। तो आपको बता दूं कि आपके लगने की कोई भी वैल्यू नहीं है इस मार्केट में। ये मार्केट आपके लगने से नहीं चलती। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रेड बनने और ट्रेड बनाने का। तो आपको ट्रेड कब लेनी चाहिए? जब ट्रेड बन रही हो। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मैक्सिमम लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको लगा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। आपको ट्रेड तब लेनी चाहिए जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो या टेक ऑफ की तैयारी कर रहा हो। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करने का। लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ट्रेड लेनी चाहिए जब ट्रेड बन रही हो। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।